Today we have a lovely Saturday. We have Priyanka and Aniket on a channel called DanceQ. Welcome to DanceQ, Priyanka. Thank you. DanceQ is a channel where we cover the journey of dancers and choreographers and jinhone apne life mein dancing career choose kiya aur baad mein wo actor bane. So rather than me giving an introduction of you, I mean first you can tell us ki DanceQ and why you choose dance as a career, Priyanka. Actually, I don't choose dance as a career, I choose dance as a passion of mine. It's a dream for me, like every girl wants to dance and I'm very good at it. So I just love dancing first of all. And I think it's not my career, it's definitely it's my passion. And I would recommend everyone to do. I think you started at very early age. If I'm not wrong, you have been a winner of Boogie Week and where you both have been सोलो भी किया था, डुएट भी किया था, और आप लोग दो या तीन बार विनर रह चुके हैं. सोलो एंड डुएट आल्सो टुगेदर. ग्रेट. और प्रियंका की मम्मी से जब मेरा उस टाइम पे बात हुआ था तो शी वाज हैविंग 110 बुखार. राइट. ओके. सो आई मीन यू मीन टू से कि डांस ने आपको चूज किया और आपके रग रग में पहले से डांस था, आपको वही करना था. हाँ, वो एक्चुअली इट वाज लाइक व्हेन आई वाज इल और आई सॉ द ट्रॉफी राइट गोइंग from my side और मैंने सोचा कि नहीं, I want that trophy. और बूगी बूगी का जो platform मुझे मिला था, I was very happy. But this was how long back? It's been 20 years. Yes, I was 8 years old. It was in 1998. Okay, that time I started my career. Okay. Right. So I'll go for next question. Yes. Your first professional dance performance and experience and payment कितना मिला था? Okay. This would be जिंदगी का पहला पेमेंट और पहला परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस आई रिमेम्बर, पेमेंट वाज वेरी लेस एज कंपेयर टू टुडे. इट वाज लाइक 250 रुपीज. तो आज के हिसाब से उसका 2 लाख रुपए पकड़ लो. एंड एज यू नो, आवर फर्स्ट परफॉर्मेंस वाज इन गणेश कला क्रीडा. वी परफॉर्मड for Punna festival. Okay, that's what where we actually started. Actually, he got paid and I was as a celebrity, so I wasn't paid. Yeah. I was happy for it because I just won after that. Then I got that. So बाहर के लोगों के लिए आप लोग celebrity हो because you have done few movies also. Yes. He is also doing few movies. तो लेकिन दोनों भाई बहनों का bonding कैसा है, घर के अंदर कैसा, घर में भी वैसा attitude रहता है या फिर बहुत क्लोज है, फिर बहुत शेयर करते हैं दूसरे से? व्हाट इज दैट, यू लाइक अ फ्रेंड्स और यू लाइक अ रियल ब्रदर सिस्टर? यू आर स्प्लिट. अभी ये छोटी है, ये छोटी है. हां, अगर मैं छोटी भी हूं सो इट इज लाइक आई एम वी, ही इज माय क्राइम पार्टनर एज वेल एंड आई एम हिज क्राइम पार्टनर एज वेल. आई नो ऑल हिज गर्लफ्रेंड्स एंड मे बी वी आर मोर देन फ्रेंड्स. और जितना अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है. क्योंकि एक्चुअली जब हम डांस शुरू करते थे, वी ऑलवेज नीडेड अ पार्टनर, कोई ना कोई चाहिए था हमें. लेकिन तब ऐसा होता था कि अपने घर में ही है, बहुत होगी होगी विनर्स, साथ में ही शो करते थे. तो जहाँ भी जाते थे लोग साथ में ही बुलाते, अनिकेत प्रियंका को बुलाओ, प्रियंका डांस अकेडमी, अनिकेत डांस अकेडमी बुलाओ, इनको ही बुलाओ. तो साथ में भी आप भी जब प्रोग्राम वेर आई इन्वाइटेड यू गाइस टू परफॉर्म. ओके, हु इज योर डांस गुरु, डांस आइडल एंड डांस इंस्पिरेशन? डांस गुरु आई वुड लाइक टू टेल फॉर माय डैड. दोनों के लिए मेरे ख्याल से आप लोगों के सक्सेस में और आप लोग जिस मुकाम पे पहुंचे तो माँ बाप का बहुत बड़ा. आई नो, आई मीन योर पेरेंट्स रियली स्ट्रगल बिकॉज जितना आप लोगों ने स्ट्रगल किया उतना ही टाइम उन्होंने भी आपको दिया. एंड एक्चुअली कमिंग फ्रॉम, बट हैव यू लर्न प्रोफेशनल ट्रेनिंग कहीं से लिया आप लोगों ने या देख-देख के आप लोग सिर्फ डांसर्स बने? हां, हम लोग एक्चुअली प्रोफेशनली हम लोग बहुत कम जगह पे गए बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड डांसिंग वी डिडंट हैव इवन लाइक, हमने सोचा भी नहीं कि हम लोग इसके ऊपर कुछ करेंगे. बट इट वाज आवर डैड हु सेड कि नो, यू हैव टू डू व्हाट यू लाइक. सो ही टॉट अस एवरीथिंग. सो फॉर मी ही इज माय गुरु. And if I want to see as an idol, I would like to say I follow Saroj Khan ji and Madhuri Dixit. Great.
ऐसा कोई सॉन्ग जो आप लोगों का फेवरेट है दोनों का, कि गाना लगाते आप दोनों थिरकना शुरू कर देते, नाचना शुरू कर देते? तो डांसर को मतलब शर्म नहीं है, डांसर को कोई भी म्यूजिक दे दो डांसर चालू होगा। मुझे तो लगता है कि डांसर ने जब भी ट्यून सुनाई दे शुरू हो जाना चाहिए। तो अभी भी आप दोनों प्रैक्टिस वगैरह करते हो? यस 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 कोरियोग्राफी मोस्टली। I do dancing at time, but most probably अब हम short films कर रहे हैं, so I'm in the next short film with Shreyas Tholpade coming soon, which will be going for the Nashik short film festival. Okay. So what are your future plans? मतलब you want to do something in dancing career or you want to get into acting or overall कुछ package में plan कर रहे हो? हाँ, वो तो भी छोटा पैकेट बड़ा धमाका, लाइक डांसिंग, एक्टिंग, कोरियोग्राफी, इवेंट मैनेजमेंट, सब कुछ एक में ही हो जाए। तो इसमें फिर फैमिली को कैसे टाइम दे पाता है? फिर इतना बिजी रहोगे, बिकॉज़ बहुत डेडिकेशन लगता है, बहुत टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगता है, तो फिर कैसे टाइम दे पाते हो? दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम राइट नाउ, कि एक घर में रहकर भी हम लोग व्हाट्सएप करते हैं एक दूसरे को कि आर यू अवेलेबल टुमारो फॉर दिस इवेंट दैट इवेंट। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से हो जाता है, लेकिन दैट बॉन्डिंग जो पहले आके साथ में बैठते थे, प्रैक्टिस करते थे, वो थोड़ा सा कहीं छूट चुका है। आप दोनों का क्या मैसेज होगा, आप जैसे भाई बहनों के लिए, दोस्तों के लिए या फिर लवर्स के लिए, जो अपना बहुत सारा कीमती वक्त जिंदगी का व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हैं? व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव देम? बिकॉज क्रिएटिविटी के लिए आपको सिर्फ चैटिंग नहीं करना होता, आपको खड़ा होकर एक्टिंग करना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है। तो व्हाट इज योर एडवाइस, व्हाट इज योर सजेशन? You say first, then I'll I just want to say, you agree with my point, because yes, best yes, definitely, yes, 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 yes. I do agree, but I would like to say, WhatsApp se zyada, please give a little time to your family, because they are more important than everything. Because if they are supporting you, that's the reason you are going through that phase right now. Agree. Secondly, if you are chatting on WhatsApp, jo hum log ke beech mein bhi bahut lack ho raha hai, hote hai sometimes there's a clashes. So I think there should be some bonding between you, because my mom and dad understand me. इनके साथ थोड़ा बहुत क्लैशिंग हो जाता है भैया के साथ, सो आई लव माय मॉम डैड फॉर दैट, बिकॉज दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। बट आई थिंक यू शुड गिव अ लिटिल टाइम टू योर पार्टनर, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, बिकॉज दे आर मोर इम्पोर्टेंट मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। एंड व्हाट सजेशन यू बोथ लाइक टू गिव टू द पीपल जिनको लगता है कि दो पोर्टफोलियो कर लो, थोड़ा बॉडी बना लो, तो हमको हीरो बन गए, हीरोइन बन गए? नहीं नहीं, कितना कितना टफ, कितना मुश्किल कांसेप्ट लोगों के अंदर है कि nowadays you have a personal trainer, tumhara body six packs hai, 10 packs hai, it's really gonna not help you at all. Chatting Facebook pe aap photo daloge, 10 like aayenge, 50 like aayenge, 1000 likes aayenge, it's not at all. If you have a right person guiding you, like Sanjay bhai, when we also started our career, aap the hamare liye wahan pe events mein, aapne humko chance diya, we had lots of other stuffs doing. If you have right people in your life and you have a right motto without any negativity for anything, you will succeed in life. And if you have talent, no one can stop. And hard work is most important. Yes. If it's not that you make six pack, tum ho jaoge, you are very beautiful in your figure, but bhai, what about your acting? When you are not good at that point, what will do with your figure? Tell us the toughest phase of your life. Dono ki zindagi ka sabse tough phase kya hai? Ki jab utar chadha to maine, mujhe maloom hai ki aap log ka struggle kafi raha hai. That's the reason you are on this dance crew channel. So I want people to know about it. कि कितना tough रहा है ये journey? Tough in the sense, as you said, पहले भी हम उसका जवाब नहीं दे पाए. Technically जब we wanted to improve in our field, acting field, तो हम लोग FTI चले गए थे. उसके बाद dad was retired. He took a voluntary retirement because of his very covens. Okay. So there was no one, कोई नहीं था जो हमारे हमें स्पॉन्सर करता या फिर हमें बोलता कि तुम लोग आगे का फीस मैं भर दूं। सो वी हैड टू मेक अ टफ डिसीजन कि आई हैड टू लेट हर कंटिन्यू एंड आई हैड टू स्टार्ट वर्क। एंड दिसंबर 6, 2006 वाज द लास्ट डे इन माय एफटीआई, आई स्टिल रिमेंबर दैट। उसके बाद मैंने आई टुक अ लॉन्ग लॉन्ग गैप जब तक सब सेटल। सो लाइक अ रियल ब्रदर कि भैया राखी के बंधन को निभाओ। ओके, व्हाट डू यू कंसीडर एज योर टॉप डांस अचीवमेंट, अभी तक आया है या आके गया या फिर आने वाला है? फॉर मी इट विल बी लाइक बूगी बूगी वाला अचीवमेंट, वाज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग फॉर मी, बिकॉज़ इन सच अ यंग एज आई हैव बीन टू दैट प्लेटफॉर्म, जो मैंने कभी ड्रीम भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था आई वुड बी देयर। सो एंड ही बीइंग माय ब्रदर, माय फैमिली सपोर्टिंग मी, सो आई थिंक दैट्स आई थिंक द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी आई विल स्टिल वेट फॉर द राइट मोमेंट। It will come, inshallah, it will come soon.
योर डांस ड्रीम वन चेंज यू वांट टू सी इन द डांस कम्युनिटी, आप लोगों का ख्वाब और डांस कम्युनिटी में क्या चेंजेस आप लोग लाना चाहते हो? आई वुड जस्ट से वन थिंग, हैव अ गुड बॉन्ड विद एवरीवन ऑफ योर स्ट्रीम. डांसर है डांसर के साथ रहो, एक्टर है एक्टर के साथ रहो. Have a good bonding. There is nothing. Money will come to you if you have nice friends, nice community, nice people. Nice definitely place. You will succeed in life. You meant to say कि आप किसी के बारे में बुरा मत बोलो, सबके साथ रहो, अच्छे से काम करो. There shouldn't be a negative. किसी की बुराई मत करो. Yes. Okay. और ऐसे लोगों के लिए क्या advice है आपका कि जो लोग सिर्फ बुराई करने में यकीन करते हैं, अच्छा ही देखते हैं. तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते. You be at the same position where you are because you are trying to pull somebody who's already gone there because instead of thinking negativity, आप negativity आपके life से निकाल दो, you'll be positively too high more than that person. You think that नहीं ये इंसान ऐसा नहीं. I agree. So I think dance icons in female you like to order because you can read the names. Okay, it's Shraddha Kapoor, Katrina Kaif, Deepika Padukone, Alia Bhatt, Anushka Sharma, Sonakshi Sinha, Madhuri Dixit and Pariniti Chopra. Who's number one, number two, number three? Katrina Kaif will be first. For you, for me it is Madhuri Dixit. No, Katrina Kaif, Deepika Padukone. So, अभी फिर से मैं माधुरी जी मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि एपिसोड आप डेफिनेटली देखिए, बिकॉज़ जितने भी डांसर्स और कोरियोग्राफर्स जितने भी सेलिब्रिटीज आए हैं, दे हैव टेकन आवर नेम एंड शी इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन. शी इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन. सो हाउ यू रैंक हिम फर्स्ट सेकंड? विल गो अगेन. या माधुरी दीक्षित. देन आई वुड गो विद श्रद्धा कपूर, देन आई वुड गो विद कैटरीना कैफ, दीपिका, then I go with Sonakshi Sinha, Anushka Sharma, Alia Bhatt, Shraddha Kapoor and Parineeti. Okay. Sorry, so one message from your side to your fans, the people, those who are watching you, ek advice, ek message aap kya dena chahoge? Keep dancing. Dancing, dancing and dancing. From your side? I would say stay healthy, stay blessed, enjoy what you're doing. वही कीजिए, आपको बहुत सारे तकलीफें आएंगी लाइफ में जहाँ पे आपको आपका पैशन छोड़ना पड़े, पैशन ना छोड़े. देयर आर लॉट्स ऑफ अदर वेज जो फिर भी आएंगे आपके पास. आई वुड जस्ट से कीप डांसिंग, कीप एक्टिंग एंड बी हेल्दी. आप दोनों की जिंदगी में एक मंत्र क्या है कि जिसके वजह से आप लोग आज टिके हुए हो, सर्वाइव कर रहे हो और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हो, तो व्हाट इज वन मंत्र यू वांट टू गिव टू द पीपल दोस हु वाचिंग डांस के चैनल? Okay, I had one mantra when I was in, I went to my competition, even I do it right now, uske liye I think I'm very selfish, main kisi ko batati nahi hu ye cheez. Whenever I go for my performance ya main acting ke liye jaati hu, main apne room mein 2 minute baithti hu, lekin nobody is like me. Okay, that's so it. You say I just want to perform for best, myself. You're the best and you're going to rock the floor, you're going to I give want your to be best. Best for myself. Okay. Then I'll be best for everyone. Now see, we want to give a message to the society. Right. How important is to keep our environment, our society clean? What do you talk about it? What do you suggest people? Because अभी गणपति है, गणपति में noise pollution होता है, गणपति के सामने गंदे गंदे गाने बजाए जाते हैं, फिर गणपति का विसर्जन गलत तरीके से होता है. So what do you advise people on this? See, I would like to say it's like. मैं तो यही कहूँगा कि घर में नहीं करते तो बाहर क्यों करते? Okay. Because अगर आपको फिट एंड फाइन रहना है तो आपका एनवायरनमेंट क्लीन होना बहुत जरूरी है. सो एक डांसर एक कोरियोग्राफर के जिंदगी में कमिटमेंट, प्रॉमिसेस और वादों की क्या अहमियत है? व्हाट डू यू वांट टू टेल देम? आई थिंक कमिटमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड व्हेन यू आर इनटू समबडी और आप किसी चीज को करते हो, आई थिंक इवन कमिटमेंट ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कभी बोलते हो ये सैलरी एट दिस टाइम एंड यू गो आफ्टर लॉन्ग टाइम एज इन you are too like in VIP, so I think that lacks a lot in people आजकल I've seen. So I think ऐसे इसमें people should understand and stop doing all these things. It's the, it gives the negativity towards you. Okay. और ऐसे लोगों के लिए इस industry में जगह है जो बोलते हैं कि आज petrol खत्म हो गया है, मेरी गाड़ी छूट गई है, मेरा सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, मैं आज आऊंगा, कल आऊंगा, परसों आऊंगा. ऐसा इंसान टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान बन सकता? आपने भी फेस की है, मैंने भी फेस की है, बिकॉज एक गुरु किसी शिष्य को टाइम देने की कोशिश करता है लेकिन वो शिष्य गुरु को ग्रांटेड लेता है.
और हमने बहुत मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और आप जैसे लोग ऐसे चैनल्स पर आ रहे हैं, इंस्पायर्ड करें, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, और इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू ग्रो हाई बिकॉज यू हैव ऑनेस्टी, यू हैव डेडिकेशन इन ऑल. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन व्हिच यू बोथ लाइक टू आस्क मी योर होस्ट. ओके, can you sit on my face, please? No, I have a question, genuine question. See, I've seen you changing road, mein, aap dancer, choreographer, event organizers, now a host. Main sirf aapko yahi question karna chahta hu ki any talent you find, bring them on the show and make them rock everywhere they want and make sure that talent is high. I want everyone to get this. This is a channel, Dance Cube channel, where we are going to meet lots of choreographers from all over the world. And we are going to exchange their talent, their potential, their workshops, and we are going to exchange business. And we want to call positive people. Okay? The people, those who are watching this, if they have some negativity about the dancers, about the choreographers, about the community, they will become positive, understanding your talks. So it was really inspiring talk with both of you. So हमारे environment को clean रखने के लिए, हमारे India को clean रखने के लिए और healthy रखने के लिए, we would like to give you something from the team of Dance Cube. Wow. This is for thank both you. Of you. Thank you. This is from the team of Dance Cube. We really had a great time with Priyanka and Aniket. Thank you. Thanks for coming on the channel. Thank Wish you all you. The luck and keep growing like this plant. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Dance Cube. Thank you, Dance Cube.